The Bar Council of India has allowed foreign law firms and lawyers to practice international law and arbitration matters in India. The Supreme Court of India pronounced its judgment on the entry of foreign lawyers and what they can or cannot do in India. The Bar Council of India has allowed for foreign law firms and lawyers to practice international law and arbitration matters. सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो रहा है। Foreign law firms अब इंडिया में practice कर सकती हैं, पर एक disclaimer तो दिया ही नहीं कि वो Indian courts में appear नहीं हो सकती। ओफो क्या कंफ्यूजन है यार, कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं। चलो इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को बहुत आराम से दूर करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मृति शर्मा और आप देख रहे हो एलईएलएस क्लासरूम्स। इशू डिस्कस करने से पहले दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो सबसे पहला बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है और उन्होंने ये नए रूल्स क्यों बनाए हैं। दूसरा, आखिर इंडिया में प्रैक्टिस कर कौन सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो सबसे पहले ये समझो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। अब इस अथॉरिटी का पर्पस सिंपल सा इतना था कि लीगल प्रैक्टिस जो इंडिया में हो रही है, जो लॉयर्स इंडिया में है, उनको रेगुलेट करेगी ये अथॉरिटी सिंपल। और जितना भी रिप्रेजेंटेशन होगा लॉयर्स के राइट के ऊपर, वो भी ये अथॉरिटी देखेगी। दूसरा, अब इंडिया में प्रैक्टिस आखिर कर कौन सकता है, तो एडवोकेट एक्ट जिसने बीसीआई को बनाया, उसी एडवोकेट एक्ट में ये मेंशन था कि अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, कोर्ट्स में अपीयर होना है किसी मैटर में, तो आपको बीसीआई के साथ में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कुछ फीस देके आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप इंडिया की लीगल फ्रेटर्निटी का पार्ट बनोगे और तभी आप अपीयर हो सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ इस मैटर पे कि फॉरेन लॉयर्स और इनकी लॉ फर्म्स का सिचुएशन कहाँ से आ गया, क्या ये अभी का है या बहुत पुराना है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। 2009 में सबसे पहली बार फॉरेन लॉ फर्म्स इंडिया में प्रैक्टिस कर सकती हैं नहीं कर सकती, इसका मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। अब इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 29 जो है एडवोकेट्स एक्ट का, उसको थोड़ा इंटरप्रिटेट करो और ये समझो कि बीसीआई के पास में पावर है रजिस्ट्रेशन करने की, और जिनको उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है वो ही इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब फॉरेन लॉ ना तो इंडिया के क्लाइंट्स को कभी एडवाइस कर सकती है और ना ही इंडिया में कभी प्रैक्टिस कर पाएगी, सिंपल एंड स्क्वायर। और प्रैक्टिस का मतलब या इसका डायमेंशन लिटिगेशन और लॉ लिटिगेशन दोनों मैटर्स में था। अब ये केस 2009 से शिफ्ट होके 2012 में मद्रास हाई कोर्ट पे सिमिलर इशू पे आया। इस केस का नाम था ए.के. बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी सेम चीज़ हेल्ड करी कि फॉरेन फर्म्स इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकती, चाहे वो लिटिगेशन मैटर हो या नॉन लिटिगेशन मैटर हो, अनटिल एंड अनलेस वो लोग बीसीआई के लेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे या एडवोकेट एक्ट में दिए गए नॉर्म्स को कभी फॉलो करेंगे। इस मैटर को मद्रास हाई कोर्ट ने एक एक्सेप्शन के साथ दिया। वो एक्सेप्शन ये था कि हम कंप्लीट बैन नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर, आप फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट बेसिस पे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका मतलब आप आ सकते हो, अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हो और उसके बाद वापस जा सकते हो, दैट इज फ्लाइंग इन एंड फ्लाइंग आउट बेसिस। 2012 जब ये मैटर चल रहा था तो इंडिया में बहुत बड़ा बूम आया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। अब ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इतने बड़े स्केल पे थी कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट्स थी, वहाँ की जो फर्म्स थी, वो इंडिया से नॉलेज आउटसोर्स करने लगी, सर्विस आउटसोर्स करते थे। और यही बूम आया लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो उन लोगों ने एक छोटा सा लूप होल निकाला कि अगर हम इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके लीगल प्रैक्टिसेस करेंगे और उसकी सर्विसेज पे काम करेंगे। ठीक है, फिर ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास में 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया दोनों जजमेंट को, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में भी था और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, और उन लोगों ने डिसअलाउ कर दिया कि फॉरेन लॉ फर्म्स और लॉयर्स इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन उन लोगों ने किया, दैट इज कि फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट बेसिस पे आप आ सकते हो, पर वो कैजुअल विजिट ही काउंट होंगी, हम उसको प्रैक्टिस काउंट नहीं करेंगे। तो मतलब आप विजिट कर सकते हो अपने क्लाइंट को, पर उनको प्रैक्टिस में काउंट नहीं किया जाएगा। पर ऑन द इशू ऑफ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया, ना उसकी इलीगैलिटी के लिए कुछ बोला या लीगैलिटी के लिए कुछ बोला। ठीक है। सो सिंप्लीफाइड वर्जन में फॉरेन लॉ फर्म्स का मैटर पुराना है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। अब बार काउंसिल ने इस फॉरेन लॉ फर्म के मैटर को थोड़ा और वाइड स्कोप दे दिया, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का विजन ये था कि अगर फॉरेन लॉ फर्म्स इंडिया में प्रैक्टिस करती हैं तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और लीगल प्रैक्टिस का स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं और समझते हैं कि ये फॉरेन लॉ के जो रूल निकाले हैं बीसीआई ने वो क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म बीसीआई के साथ में अब इंडिया में भी रजिस्टर कर सकते हैं। उन लोगों ने कुछ फीस डिफाइन करी है इनके लिए और उस फीस को पे करके आप इंडिया में रजिस्टर कर सकते हो। और जैसे इंडियन लॉयर्स का लाइसेंस रिन्यूएबल होगा, वैसे ही फॉरेन लॉ फर्म्स और फॉरेन लॉयर्स का भी लाइसेंस रिन्यूएबल होगा हर 5 साल में। हाउएवर दे कैन नॉट प्रैक्टिस इंडियन लॉ, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप इंडिया में कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हो, ना किसी कोर्ट में, ना किसी ट्राइब्यूनल में, ना ही किसी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो किस तरीके का काम इंडिया में कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाएगा, वो बहुत हैंडफुल काम कर पाएंगे। दैट इज फर्स्ट, दे शैल बी अलाउड टू प्रैक्टिस ट्रांजेक्शनल वर्क और कॉरपोरेट वर्क। वो लोग जॉइंट वेंचर, मर्जर्स, एक्विजिशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर में, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में, या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो मेनली ट्रांजेक्शनल इन नेचर है। वो लोग किसी भी तरीके के क्रिमिनल मैटर में, इन्वेस्टिगेशन मैटर में, प्रॉपर्टी या टाइटल इन्वेस्टिगेशन मैटर में कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उन लॉयर्स पे भी लगेंगे जो चाहे ओरिजिन से इंडियन है पर किसी भी फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ में काम कर रहे हैं। अब बीसीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशन तो निकाल दी, पर इतना ज़्यादा कंफ्यूजन और इतना ज़्यादा डर हो गया इस रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से कि शायद एडवोकेट जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बीसीआई को एक क्लैरिफिकेशन भी निकालनी पड़ी। अब उस क्लैरिफिकेशन में बीसीआई ने सिंप्लीफाइड वर्ड में ये समझाया कि फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म का काम किस तरीके से होगा। उसमें कुछ पॉइंट्स ये थे। फर्स्ट, आपके फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म जो होंगे वो एडवाइस कर सकेंगे सिर्फ और सिर्फ रिगार्डिंग फॉरेन लॉ या इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। सेकेंड, वो एडवाइजरी वर्क का रेंडर कर सकेंगे सिर्फ और सिर्फ उन लॉज पे जो कि फॉरेन है या फिर इंटरनेशनल लॉ के एम्बिट में आते हैं फॉर देयर फॉरेन क्लाइंट्स। तीसरा, उनका जो फंक्शन होगा वो सिर्फ नॉन लिटिगेशन मैटर तक ही लिमिटेड रहेगा, वो लिटिगेशन मैटर्स नहीं देख पाएंगे। चौथा, वो लोग अलाउड ही नहीं है कि वो अपीयर कर सके किसी भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल, बोर्ड, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटी की। पाँचवा, फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन फर्म की एंट्री रेसिप्रोकल बेसिस पे होगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम सिर्फ उन्हीं लॉयर्स को अलाउ करेंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए जिनकी कंट्रीज में इंडियन लॉयर्स को भी अलाउड है प्रैक्टिस करना। सिक्स, फॉरेन लॉयर्स को अपने क्लाइंट के लिए अपीयर होना अलाउड है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में। और लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट, बीसीआई ने फिर से रीएंट्रेट किया जो ए.के. बालाजी वाला केस हमने डिस्कस किया था कि सारे प्रैक्टिस के रूल्स एंड रेगुलेशन उस केस के अकॉर्डिंग ही होंगे और उस केस के एम्बिट से बाहर नहीं जाएंगे, ताकि वो चीज़ इंश्योर हो सके कि एडवोकेट्स और लॉ फर्म जो इंडिया में काम कर रही है उसे किसी भी तरीके की हिंड्रेंस ना हो। आई होप अब आपको इस मैटर पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, फॉरेन फर्म्स अगर इंडिया में आई तो इंडिया के लीगल प्रैक्टिस का स्कोप क्या सच्ची में बढ़ जाएगा या फिर ये एक गलत मूव है। Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe Legal Edge Law School.